हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं स्टडी विद सुजाता उपाध्याय चैनल से सुजाता। आज मैं आपको समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आंसर लाई हूँ, वो पढ़ाने वाली हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप लोग भी पेन कापी लेकर बैठ जाएं और देखें इन 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। अगर आप टेट सी टेट की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको टेट सी टेट से सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है उसके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं आंसर बताऊंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप लोग देख लें फिर मैं आंसर बताऊँ। तो दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लुई ब्रेल, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में हो सकता है, तो क्या हो सकता है बताएं। तो देखिए इसमें तीनों हो सकता है, कान के बाहर, कान के अंदर और कान के मध्य, ठीक है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में ये दोष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देखें। तो दोस्तों मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पाव फिरा, ये सब है, हकलाना जो है ये विशेषता नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चार है, ब्रेल लिपि में अक्षर होते हैं, तो ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं। तो ब्रेल लिपि में 256 अक्षर होते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय ब्रेल लिपि कितने डाट पर आधारित है, तो इसमें बताएं कौन सा सही है। तो भारतीय ब्रेल लिपि जो है ये आपके बी यानी कि 6 डाट पर आधारित है। ये आपका हो गया क्वेश्चन पाँच। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः पे। क्वेश्चन नंबर छः है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, एक सप्ताह में, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका, RTI एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक घंटे सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो इसमें ऑप्शन देखें आप बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर आठ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के वर्ग बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, तो इसमें आएगा अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है, तो बताएं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी अंतर्मुखी, मंदबुद्धि में सीखने वाला, प्रतिभाशाली, तीनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालक के अध्ययन में सहायता करती है, तो बताएं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा एक सही है बताएं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, केस स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के लिए अनुरूप बदलना है, तो बताएं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, व्यवस्था व बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, पढ़ें ऑप्शन। तो इसमें यह ऑप्शन सही है, पृथककरण। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये दो क्वेश्चन है आपका, तीन क्वेश्चन और बचा है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है क्या, तो इसमें ऑप्शन पढ़ें बताएं। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही है, समावेशी शिक्षा द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौदह, NCF 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बताएं कौन सा कथन सत्य नहीं है।
इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सत्य नहीं है, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली इसको प्रोत्साहित करता है, तो इसमें बताएं, तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, समावेशी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो आप लोग बताइएगा वीडियो देख के कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।